बाजार जैसी पाव भाजी अगर हम घर पे बनाए तो खाने का मजा और भी ज्यादा दुगुना हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल नई सेफ में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सेफ में दोस्तों नई रेसिपी आज हम लेकर आए हैं पाव भाजी। सर्दियों के मौसम में दोस्तों हम पाव भाजी न बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। तो पाव भाजी बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आलू लिए हैं, गोभी लिए हैं, गाजर लिए हैं, जिसे इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इन सब सब्जियों को दोस्तों हम कुकर में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम उबालेंगे। तो सारी सब्जियों को हम कुकर में डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, तो करीब 2 गिलास के लगभग इसमें हम पानी डालेंगे ताकि सब्जियां जो है वो अच्छे से उबल सके। पानी डालने के बाद दोस्तों इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तो और हल्दी पाउडर हम बाद में यूज करेंगे, तभी थोड़ा ही डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, तो नमक भी दोस्तों अभी बाद में हम और डालेंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही नमक डाल रहे हैं। इसके बाद कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। अब इसे गैस पे रख देंगे दोस्तों और हम मीडियम फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि सब्जियां जो है हमारी अच्छे से बॉईल हो सके। तो 2 सीटी दे चुका है, सब्जी हमारी उबल चुकी है। अब आइए हम भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में हम बटर लिए हैं, आप चाहो तो ऑयल वगैरह में या देसी घी में भी बना सकते हो। जब बटर अच्छे से पिघल जाएगा तो इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तकरीबन 2 हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे में कट कर लिया था। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे दोस्तों, तो प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया था ताकि प्याज जो है वो अच्छे से भून सके। अब प्याज को हमें ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से भूनना है और गैस का फ्लेम दोस्तों आप लो रखिएगा ताकि अच्छे से प्याज जो है वो भून सके। अभी प्याज जो है अच्छे से भून गया है, तो इसके साथ इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि 1 चम्मच था। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा दोस्तों, तो इसमें हम मटर डालेंगे, क्योंकि मटर को हम अच्छे से बॉयल नहीं किए थे इसीलिए हम इसे इसी के साथ भूनेंगे। अगर आप बॉयल करके डालते हो तो मटर को लास्ट में भी डाल सकते हो। तब ये देख सकते हो मटर भी काफी अच्छे से भून गया है प्याज के साथ। अब इसमें हम एक एक करके मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं, नमक आप स्वाद के अनुसार रखिएगा। 1/2 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाले हैं, 1/2 चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे और मसालों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देख सकते हो मसाले काफी अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे तो इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे मसालों के साथ। दोस्तों टमाटर जो है वो अच्छे से भून जाएगा, तो उसके बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे। करीब 2 चम्मच के लगभग यहाँ पे हम डेगी मिर्च पाउडर डाले हैं और 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाले थे। इन मसालों को मिलाकर दोस्तों अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। उसके बाद इसे ढककर हम मसालों को पकने देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं दोस्तों मसाले जो है काफी अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल वगैरह भी साइड साइड में छोड़ने लगा है और मटर भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से पक गया है। हमारी सब्जियां भी हैं दोस्तों अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो इसे हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। अब इसके बाद इन सारी सब्जियों को हम इसमें डालेंगे ताकि मसाले और सब्जियां जो है एक दूसरे में अच्छे से मिल सके। अभी धीरे धीरे हम चलाएंगे दोस्तों, तो आपको देखने में इसका कलर भी चेंज लगेगा और देखने में ये टेस्टी भी लगेगा। तो हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जो ऊपर से डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच दोस्तों यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर फिर से डाल रहे हैं ताकि ये इसमें अच्छे से कलर आ सके। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और पकने देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी भाजी जो है गाढ़ी है, तो करीब 1/2 कप के लगभग इसमें हम पानी डाले हैं ताकि भाजी हमारी थोड़ी पतली हो सके। तभी आप देख सकते हो भाजी हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक रही है। अब इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तब हमारी भाजी दोस्तों पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इसे ढक देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। अब आइए हम भाजी को निकाल लेते हैं एक कटोरे में सर्व करने के लिए। उसके बाद हम अपने पाव को सेकेंगे। इस तरीके से भाजी देख सकते हो देखने में कितनी ज्यादा यम्मी लग रही है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर रख दिए हैं। जब तक हम पाव को सेकेंगे बटर हमारा अच्छे से पिघल जाएगा। पाव को सेकने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पाव लिए हैं, तो एक पाव में से हम इसमें 1/2 लंबे में कट करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ एक तवे पे हम थोड़ा सा बटर डाल रहे हैं, हम इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे ताकि सारे तवे पे अच्छे से बटर लग सके। उसके बाद हम एक एक पीस पाव का जो लंबे लंबे में कट किए थे उसे तवे पे डालेंगे। थोड़ी देर बाद दोस्तों हम इसे पलटेंगे क्योंकि एक साइड का पार्ट इसका अच्छे से सीख गया है। आप चाहो तो इससे भी ज्यादा और भी कुरकुरा कर सकते हो, इतना ही सेक सकते हो। इसके में हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे ताकि नीचे वाले पार्ट में भी इसके अच्छे से बटर लग सके। अब इसे अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पाव जो है काफी अच्छे से सीख गया है और ये देखने में भी काफी ज्यादा कुरकुरा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफी अच्छे से सीख चुका है और ये आप देख सकते हो इसमें कुरकुरापन और इसके ऊपर का रेडनेस काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम सारे पाव को सेक लिए हैं। अब चलिए हम पाव भाजी सर्व करते हैं। तो यहाँ एक प्लेट में सबसे पहले हम भाजी को डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं भाजी देखने में कितनी ज्यादा यम्मी लग रही है और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। इसके साथ हम पाव को रख रहे हैं और भाजी के ऊपर हम थोड़ा सा ओनियन और एक नींबू रख दिए हैं। नींबू के रस से दोस्तों भाजी का टेस्ट और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है।
इसमें हम थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च वगैरह सर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पाव भाजी को घर पे बनाइए और गर्मा गर्म पाव भाजी को आप खाइए, सर्व करिए, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल बाजार जैसी रेसिपी है दोस्तों, इसे आप घर पे बना के जरूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।